वॉट इफ नो कंसल्टेसन आपको क्या करना चाहिए अगर आपने अपने सब्सिडीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोल्टेट करके आर ओ सी के पास सबमिट नहीं किया है तो आपको तीन काम करने हैं और ये तीनों के तीनों करने हैं इसमें से ऐसा नहीं है कि आपने एक किया दो नहीं किया तो आपको तीनों करने हैं पहला काम क्या करना है कि डिस्कलोज लिस्ट ऑफ सब्सिडीज नॉट कंसोल अलॉन्ग विद रीजन एज पर शेडूल थ्री तो रीजन कोई भी हो सकता है रीजन ये भी हो सकता है कि आपकी जो सब्सिडीज है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी प्रिपेयर ही नहीं हुए हों रीज़न ये भी हो सकता है कि आप एग्जामेशन की कैटेगरी के अंदर आते हो तो चाहे जो भी रीजनस हो वो आपको लिस्ट ऑफ सब्सिडीज के साथ रीज़न डिस्क्लोज कर देना है और सेक्शन 129 में ये भी कह रखा है कि जब आपने स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आर के पास सबमिट करोगे तो वो जो आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ आपको एक स्टेटमेंट भी अटैच करना है जिस स्टेटमेंट में आपकी जो सब्सिडीज़ हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सिर्फ सेलियंट फीचर्स होंगे यानी एक्स्ट्रैक्ट फॉर्म में आपको सबमिट करना है अपने सब्सिडीज़ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसकी जो सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपने अपनी वेबसाइट में अटैच कर देना है या फिर अगर कोई शेयर होल्डर मांगता है तो उसको भी सबमिट करा देना है तो आपने ये तीन काम करने हैं अगर आपने कंसोलिडेशन नहीं किया है तो